नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आपने बहुत दिनों से टीवी चैनल में बहुत सारे ओपिनियन पोल देखे होंगे, आपने यूट्यूब चैनल में ओपिनियन पोल देखे होंगे, आपने टीवी चैनल में ओपिनियन पोल देखे होंगे, लेकिन चार चरण चुनाव के पश्चिम बंगाल के पूरा होने के बाद क्या कहता है पश्चिम बंगाल का पूरा फाइनल ओपिनियन पोल। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या गृहमंत्री अमित शाह की रैली हो, ममता बनर्जी की हो या अभिषेक बनर्जी की, शुभेंद्र अधिकारी से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक की पूरे पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, तो अब हम आपको फाइनल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम टीवी चैनल को ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे, तो आपको आंकड़ा हो जाएगा कि क्या है पश्चिम बंगाल का माहौल। तो दोस्तों, इस समय आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल हैं जो इस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये पीपल्स प्लस का ओपिनियन पोल है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 183 सीटें बीजेपी को दिया था पीपल प्लस ने, और टीएमसी को 95 दिया था, अदर्स को 16 दिया था। सीएनएक्स, जो सीएनएक्स की बहुत हम लोग चर्चा करते हैं कि सीएनएक्स का जो ओपिनियन पोल है वो बहुत सटीक बैठता है, तो इस समय देख सकते हैं सीएनएक्स के 135 बीजेपी को दिया था और टीएमसी को 141 दिया था। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो सी वोटर है, जो उसका ओपिनियन पोल बीजेपी को 112 दिया था और टीएमसी को 160 दिया था। अब आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा जन की बात। आपको रिपब्लिक भारत पर पहले ये ओपिनियन पोल आता था, जन की बात ओपिनियन पोल आपने देखा होगा अधिकतर, रिपब्लिक भारत में प्रदीप भंडारी का ये ओपिनियन पोल है, जिसने बीजेपी को 155 दिया था और टीएमसी को 127 दिया था। अब ये महा ओपिनियन पोल है, ये महा ओपिनियन पोल किसका है मैं आपको बता दूं, ये महा ओपिनियन पोल इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल है, जिस समय आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, 143 बीजेपी को दिया है और टीएमसी को 132 दिया है। इधर अदर्स आप देख सकते हैं, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 22, कहीं 12, कहीं 19, ये सारे के सारे टीवी चैनल के ओपिनियन पोल हैं जो इस समय हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ओपिनियन पोल के, हर चरण बाई चरण कौन कितनी सीटें जीत रहा है, तो आप देखिए कौन कितना सीटें जीत रहा है। तो सबसे पहले हम जंगल महल आपके सामने खोल कर रख दिए हैं। जंगल महल आपको पता है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वहाँ उसके अंदर बांकुरा आता है, पुरुलिया आता है, वेस्ट मिदनीपुर आता है और झारग्राम। जंगल महल के अंदर इतनी सारी सीटों आती हैं, आप इस समय देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये सारे के सारे रीजन्स आते हैं जंगल महल के अंदर, जहाँ पर 42 सीटों को हमने बांटा है। 42 सीटों के बल पर हमने ये आकलन निकाला है कि 36 सीटें बीजेपी पा रही है और टीएमसी 6, अदर्श यहाँ पर 0 आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांकुरा, पुरुलिया, वेस्ट मिदनापुर और झारग्राम, ये यहाँ का पूरा गणित है। चलिए अब देखते हैं अगला। तो दोस्तों, ये है उत्तर बंगाल का ओपिनियन पोल, जिसको हमने 28 सीटों पर बांटा है। आप देख सकते हैं हमने 28 सीटों पर इस उत्तर बंगाल को बांटा है, जिसमें बीजेपी को 20 और टीएमसी को 7 और अदर्श को 1 दिया है। देखिए दार्जिलिंग, ये ऊपर का पूरा हिस्सा आता है, ये कूच बिहार, देखिए ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है इसलिए सॉरी, और इधर आता अलीपुर और जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं जो 28 सीटों पर हमने इसको बांटा है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आता है ग्रेटर मालदा, ग्रेटर मालदा को हमने 49 सीटों में बांटा है, जिस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा को हमने 49 सीटों में बांटा है, बीजेपी को 14 और टीएमसी को 23। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि टीएमसी को इतनी सारी यहाँ पर सीटें कैसे मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं मालदा यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मुर्शिदाबाद यहाँ पर पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी है, उत्तर दिनाजपुर यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, दक्षिण दिनाजपुर यहाँ पर मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम वोट बैंक का फैक्टर है इस क्षेत्र पर काफी है ग्रेटर मालदा में, इसलिए आप देख सकते हैं कि टीएमसी को 23 और अदर्श को 12 दिया गया है। अदर्श को 12 क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब्बास सिद्दीकी हो, यहाँ पर वो असदुद्दीन ओवैसी हो, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50 से 55 60 इतने परसेंट मुस्लिम आबादी है, इसलिए ये सीटें इस तरह आपको दिख रही होंगी इस समय हमारी स्क्रीन पर। चलिए अब और देखते हैं आगे क्या है।
आगे आप समझ सकते हैं मध्य बंगाल, जो बीच का एरिया है बंगाल के, मध्य बंगाल इसको बोलते हैं, ये इस समय आप देख रहे हैं जहां पर हमने 49 सीटों पर मध्य बंगाल को बांटा है। 49 सीटें मध्य बंगाल के अंदर आ रही हैं, जिसमें बीजेपी को हमने 35 दिया है और टीएमसी को 13, आदर्श को हमने 1 दिया है। अब इसमें देखिए कौन कौन से एरिए आते हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए पश्चिम बर्धमान, यहाँ पर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, ये आता है पूरब बर्धमान, पश्चिम और पूरब बर्धमान आता है, इस पर सेंट्रल बंगाल भी इसी के अंदर आता है, और बीरभूम और नदिया ये भी इस रीजन में आता है मध्य बंगाल के। कुछ देखिए जैसे पूरा का पूरा पश्चिम बर्धमान, पूरब बर्धमान, सेंट्रल बंगाल और बीरभूम और नदिया जैसे एरिए इस मध्य बंगाल के अंदर आता है, जहां पर 49 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 35 और टीएमसी 13 और आदर्श 1 पाती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इस समय देख सकते हैं दक्षिण बंगाल, ये सबसे बड़ा एरिया है जिसको हमने दक्षिण बंगाल में 126 सीटों पर हमने इसको विभाजित किया। अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर हमने इस एरिया को 126 सीटों पर हमने विभाजित किया है। अब इधर देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा उछाल दक्षिण बंगाल में बीजेपी का है। दक्षिण बंगाल में बीजेपी ना कि टीएमसी, दोनों काफी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर हिंदू वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हिंदू वोट का परसेंटेज ज्यादा, इसलिए यहाँ पर टीएमसी 48 और बीजेपी 76, आदर्श खाली 2। अब यहाँ पर कौन कौन से एरिया आते हैं, यहाँ पर कलकत्ता वाले आसपास के सारे एरिया, हावड़ा, ये सब एरिया थे, देख सकते हैं आप, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, आपको याद होगा नॉर्थ 24 परगना में जहां उस एक 85 साल की बूढ़ी औरत के साथ मारपीट किया था टीएमसी के लोगों ने, ये वही एरिया है। साउथ 24 परगना, पूर्वी मिदिनापुर, ये सारे के सारे एरिए दक्षिण बंगाल के अंदर आते हैं, जहां पर हमने 126 सीटों पर बांटा है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितनी सीटें कौन कौन पा रहा है। तो चलिए अब इसका योग करते हैं कि कौन कितनी सीटें पा रहा है, ये भी आप जान लीजिए, ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल इस समय देख रहे हैं। देखिए ग्रेटर मालदा में 14, हमने यहाँ इधर बीजेपी को, टीएमसी को 23, मध्य बंगाल में 35 बीजेपी को, टीएमसी को 13, यहाँ पर जंगल महल को 36, जंगल महल में बीजेपी को 36 और टीएमसी को 6, और दक्षिण बंगाल में बीजेपी को 76 और टीएमसी को 48। इसमें एक चीज आपको कम लग रही है उत्तर बंगाल, क्योंकि स्क्रीन पर ज्यादा जगह ना होने की वजह से उत्तर बंगाल को हमने अगले पेज पर रखा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए तो जो चार हमने रीजन में बांटे थे उनकी सीटें कुल मिलाकर होती हैं 161, और उत्तर बंगाल में हमने बीजेपी को 20 दिया था, तो कुल मिलाकर बीजेपी 181 सीटें पश्चिम बंगाल में पा रही है, और टीएमसी वो जो चार रीजन है उसमें 90 और उत्तर बंगाल को लगाकर 97, और आदर्श आप देख सकते हैं 15+1 बराबर 16 आप देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा गणित 294 बैठ रहा है। ये है पूरा पश्चिम बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल। अब हम ओपिनियन पोल से थोड़ा हटकर बात करेंगे। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर बीजेपी को 181 दिया है और टीएमसी को 97 दिया है, ये तो आज से करीब करीब 6 से 7 दिन पहले हमने ये चीजें एनालाइज की है, लेकिन 6 दिन के बाद कितना परिवर्तन आया ये भी आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने हाल में देखा कि जिस तरह से सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के हाथे कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद माहौल में काफी करवट बदलती हुई नजर आ रही। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो आदर्श की ये सीटें हैं जो 16 आ रही हैं, इस पर काफी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए परिवर्तन हो सकता है। ये सीटें जो 15 से 16 है इसमें 4 से 5 और इधर आ सकती हैं, मतलब टीएमसी की ओर 4 से 5 सीटें और आ सकती हैं, और इधर की अगर बात करें यहाँ से 4 से 5 सीटें और टीएमसी को जा सकती हैं। तो यानी टीएमसी 100
115 में टीएमसी सिमट सकती है और बीजेपी 175 में आ सकती है। तो ये है पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल चार चरण के चुनाव के बाद। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फिलहाल पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो इस ओर इशारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। मैं हूं राजवीर शाह, आप देखते रहे द न्यूज़ पेपर। जय हिंद।